एक बात समझ लो, नालायक आदमी धर्म कर सकता है, धर्मी बन नहीं सकता है। धर्म करना अलग चीज है और धर्मी बनना अलग चीज है। जिसका बिगड़ा हुआ पेट है वो दूधपाक पी तो सकता है मगर दूधपाक पचा नहीं सकता है। दूधपाक पीने से शरीर में खून नहीं बनता है, दूधपाक यदि पच जाता है तो ही तो खून बन जाता है। मंदिर में जाकर के परमात्मा की पूजा करने से, सामायिक प्रतिक्रमण करने से, ये सब कुछ करना जरूरी है, निश्चित करना, मगर उतना ही करने से हम अपने आप को धर्मी नहीं मान पाएंगे। हरिभद्र सुमन ने धर्मी बनने का सबसे पहला लक्षण बताया, दुखी तेषु दया अत्यंतम, दुखी जीवों के प्रति अत्यंत दया का भाव, यह धर्मी बनने की तुम्हारी पहले नंबर की प्रायोरिटी। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, याचना में यातना का दर्शन करने की दृष्टि मेरे पास और आपके पास है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, कहीं भी यातना दिखाई पड़े याचना को नकारने का पाप जिंदगी में कभी मत करना। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, सच बताऊं, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। फिर से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस रखा कहाँ है वो पता नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास मगर कहाँ रखा वो पता नहीं है। क्या क्या हमारे जीवन की करुणता, मुझे और आपको सच बताऊं, परमात्मा ने देने में कोई फर्क किया है क्या? भगवान ने यह कहा, दोस्त सारे जगत के जीवों के प्रति करुणा पैदा करने वाला जो हृदय मेरे पास था वही हृदय मैंने तुझे दिया है। हम किससे शिकायत करेंगे? हम गवर्नमेंट से शिकायत कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी से शिकायत करते हैं, जो भी है आपने सब कुछ नहीं दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पूरे प्रजाजनों को सब कुछ आपने नहीं दिया, मगर हम भगवान को शिकायत नहीं कर सकते कि भगवान आज मुझे सब कुछ नहीं दिया। भगवान ने बोला, जो मुझे मिला था वो सब कुछ मैंने तुझे दिया है, 1% तेरे प्रति मेरा पक्षपात नहीं है। जो हृदय मुझे मिला था, चंड कुश्ती को प्रेम करने वाला जो हृदय मुझे मिला था वही हृदय मैंने तुझे दिया। सारी दुनिया का परिसर उपसर्ग करने वाला जो शरीर मेरे पास था वही शरीर मैंने तुझे दिया। चंड कोशी को, हे चंड कोशी, बुझ बुझ जो बोलने वाली जीभ थी वो जबान मैंने तुझे दी। खड़ा खड़ा केवल लया पूजो जानू नरेश, खड़े खड़े रहते जो ध्यान किया था वही पैर मैंने तुझे दिया। क्या कमाल की बात, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास मगर कहाँ रखा वो मुझे पता नहीं है। हम कब ढूंढेंगे? कभी गुरुदेव के चरण में आकर के बैठेंगे, गुरुदेव वो हृदय मुझे दिखाओ ना जो परमात्मा ने मुझे दिया है, वो आवाज करने वाला हृदय नहीं, लेबोरेटरी में वैज्ञानिक के जो हृदय की बात करते वो हृदय नहीं, धड़कन पैदा करने वाला हृदय नहीं मगर करुणा पैदा करने वाला हृदय। रिपीट करूं, धड़कन करने वाला हृदय तो बॉडी फिजिकल मिलता है मगर करुणा का हृदय वो प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिली हुई भेंट है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, याचना में यातना का दर्शन। 2000 के साल में भूकंप आया, पाकिस्तान की बॉर्डर तक हम बिहार करके गए और रास्ते में जो भूकंप से डिस्टर्ब हुआ घर देखा, ओ आज वो दृश्य आंखों के सामने आता है। और सच बताऊं, कुमार पाल ईशा ने मुझे बता दिया था कि गुरुदेव भूकंप में आप जाते हो कोई भी एरिया में चले जाओ, हर हर परिवार को कम से कम 10,000 रुपए की ऑफर कर देना। 20 साल पहले की बात, कोई परिवार गुरुदेव बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको भी 10,000 सबको। क्या वो टाइम कुमार पाल ईशा ने व्यवस्था बनाई थी? परमात्मा के मंदिर में संभालने वाले पुजारी को 20,000, हर परिवार को 10,000। और सच बताओ, जिस गांव में मैं गया उस गांव में साधर्मिकों को बुलाया ना, तब इतना ही कहा, मैंने देखा वो गांव पूरा का पूरा गांव सब बिल्डिंग खत्म थे और छावनी में बद्दा साधर्मिकों को भोजन करता था। और उन लोगों को बुला करके जब मैंने बात बताई कि एक प्रभावना के तौर से, मदद के तौर से नहीं, प्रभावना के तौर से आप सबको 10,000 रुपये देना है, मेरी आंखों के सामने 80 साल के वृद्ध पुरुष तार तार रो रहे थे, गुरुदेव
इस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा की बोली करने के लिए 1,20,00,000 रुपया बोला था, रिपीट 1,20,00,000 रुपीस, और ये बोली बोल करके गुरुदेव मैंने भगवान की प्रतिष्ठा की दी। आज 10,000 रुपया आपसे लेना पड़ता है, भगवान कर ये दिन मेरे जीवन में क्यों आया। मैं सच बताऊं, याचना के पीछे कभी यात्रा देखी तुमने? साला मांगता है राम गौर कितनी बार, ये हम बोलेंगे क्या? परखना सीखो। 150 रुपया लेकर के डॉक्टर 500,000 रुपये का ऑपरेशन कर सकता है? याचना के पीछे छिपी हुई यातना देखी थी। देखंदा निर्खंदा और परखंदा, न हम पत्थर देखेंगे न हम मूर्ति देखेंगे, मगर मूर्ति में परमात्मा देखेंगे। अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जिसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जिसो। मैं आपको बताऊं, निगोद के जीव को भी भगवान ने प्रेम क्यों दिया? क्या था? कुछ देने लायक कुछ नहीं था, मगर चंडक, अरे छोड़ो निगोद के जीव की बात, चंडक ऋषि को प्रेम देने की जरूरत क्या थी? खुद का खून करने का प्रयास करने वाला, आंख की दृष्टि देख करके जलाने की आपको मालूम नहीं? चंडक ऋषि सर्प, दृष्टि भी सर्प था, दृष्टिविष। जिनकी आंख में जेर होता है वो दृष्टिविष, जिसके मुंह में जेर होता है वो सांप अलग, मगर चंडक ऋषि मुंह में जेर रखने वाला नहीं था, आंख में जेर था। जहां भी दृष्टि डाली वो जिंदा जल के साफ हो गया। ऐसे चंडविष स्वरूप को भगवान ने प्रेम कैसे दिया? हमने कभी भगवान को पूछा कि भगवान ये आप क्या कर देते हो? खाली एक नानकड़ी सूचना करी दो, एक बहुत चार लाइन की कड़ी है, आखी जिनकी हूं वारंबार भगवान एक पाप करते रहो, आखी जिनकी हूं वारंबार एक पाप करते रहो, धूड़ मारा पर अति अने अरीसो साफ करते रहो।